तो खबर चलने के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मौके पर अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जाँच करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी दवाएं हैं, क्योंकि शिकायत मिली थी कि किस प्रकार से एक जो महिला है वो कहीं ना कहीं बवाल करती हुई नज़र आई। महिला के जो पति हैं पिछले 4 साल से जो है एक मेडिसिन दे रहे थे बिना डॉक्टर की पर्ची के, और आप ये देख सकती हैं फिलहाल जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं, मुआयना करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल ज़िले के हल्का गोरोंडा की, जहाँ पर आप देख सकती हैं कि मेडिकल स्टोर में फ़िलहाल अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक महिला जो कि पिछले कई साल से परेशान थी, घर तक जो है खाली हो चुका था क्योंकि उनके जो पति हैं वो दवाई लेने के आदि हो चुके थे, उसमें नशा था और उसी के चलते जो महिला के पति हैं पिछले कई दिनों से जो है इस मेडिसिन को ले रहे थे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि अधिकारी मौके पर पहुँचे हुए हैं। जितने व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप साथ के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल ज़िले के घोरोंडा हल्का की, और ये आप देख सकते हैं मौके पर SHO भी यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं। जितने व्यूवर्स हमारे इस खबर को देख रहे हैं, दीपक कुमार SHO दीपक कुमार भी मौके पर पहुँच चुके हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ये साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक मेडिकल स्टोर में बिना डॉक्टर की पर्ची के मेडिसिन दी जा रही थी, और अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिलहाल यहाँ पर जो है जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और किस प्रकार से जो है जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। जितने व्यूवर्स हमारे इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप साथ के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ये देख सकते हैं घोरोंडा प्रशासन जो है वहाँ पर पहुंच चुका है और इस मेडिकल फिलहाल जाँच की जा रही है, चेक किया जा रहा है कि किस मेडिसिन में ज़्यादा नशा पाया जाता है, और किस प्रकार से ये जो मेडिकल स्टोर के जो मालिक है बिना डॉक्टर की पर्ची के काफ़ी सालों से एक व्यक्ति को मेडिसिन दे रहे थे, और उस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो चार साल से ये जो व्यक्ति है मेडिसिन ले रहा था, और उसके बाद जो घर है वो तबाह हो जाता है। और महिला ने आज खुलासा किया, महिला पिछले कई दिनों से अपने घर वाले से पूछती हुई जरूर नजर आ रही थी कि आप किस मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर आते हो जो बिना डॉक्टर की पर्ची की आपको मेडिसिन देते हैं। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि रेड पड़ चुकी है। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आप साफ तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस प्रकार से फिलहाल इस मेडिकल स्टोर में जो है रेड पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये देखिए ये सुमेर मेडिकल स्टोर बताया जा रहा है, घोरोंडा का ही सुमेर मेडिकल स्टोर बताया जा रहा है। और ये देखिए किस प्रकार से पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ पर क्या मामला है आपकी बात कराएंगे जल्द। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है इस खबर को आप साथ के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि और लोग जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के जो मेडिसिन देते हैं उन पर भी नकेल कसी जा सके, क्योंकि अमूमन देखा जाता है काफी जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो बिना डॉक्टर की पर्ची के मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन में काफी नशा होता है और काफी लोग जो है नशा लेने के आदि हो जाते हैं। उसी के चलते करनाल के घोरोंडा की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुमेर मेडिकल स्टोर की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन है वो यहां पर पहुंच चुका है, पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है, थाना SHO दीपक कुमार यहां पर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जी हाँ, हरियाणा के करनाल जिले की, करनाल के घोरोंडा क्षेत्र की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा
रहे हैं। ये देखिए रेड पड़ चुकी है यहाँ पर, ये यहाँ पर रेड पड़ चुकी है, प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुका है और सख्ती से कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी हाँ, सख्ती से कार्रवाई जरूर की जाएगी। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप साथ ही साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहाँ पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और किस प्रकार से फिलहाल ये बंदा जी दमका रहा है, ये बंदा अस्पताल बिकती है चलो तो ड्रग इंस्पेक्टर जो आएंगे वो डिटेल से करेंगे इसका कवर, ठीक है कि नहीं। मैं तो इतनी बता दूं कि अल्ट्राजोलम है जो ये सर ये अलाउड होती है सर, डॉक्टर की पर्ची अपने खुद देता है डॉक्टर दवाई लेके, मैंने वैसे तो देते। एक मिनट आईडी थोड़ी पीछे कर ले। हां जी सर, करो आप करो जी जी। तो अभी है ना, हाँ जी, जांच चल रही है और ड्रग इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं जी। जो भी बात आएंगी ना उन्हीं के करेंगे ना डिसीजन वो। हाँ जी, हाँ, क्योंकि मेडिसिन है, मेडिसिन के बारे में तो बिना पर्ची के जो नशे की दवाई बेची जाती है क्या कहना चाहेंगे वो ड्रग इंस्पेक्टर साहब अभी बताएंगे सारी डिटेल से, कौन सी जो भी है डायरेक्शन है उसी के दायरे में रह करके फिर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कोई नहीं सर, सर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? लगता है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के यहाँ पर जो मेडिसिन दी जा रही है वो गलत? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, अफसर आए हुए हैं हमारे और ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया, जैसे भी होगा आगे कार्रवाई अमल बनाएगी। कुछ मिला सर यहाँ पर? अभी कुछ नहीं कह सकते, ड्रग इंस्पेक्टर रिपोर्ट बनाएगा उसके बाद देखते हैं। सर नींद की गोलियाँ बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अभी जाँच चल रही दवाई अपनी दे दो और पैसे अपने ले जाओ वापस और हंसने लग गए ऊपर। मेरी तो जिंदगी खराब हो रही है इनके तो हंसने का, इन्होंने सोचा भाई ये क्या करेगी। ये देखो पूरा डब्बा फिनार्गन, डॉक्टर्स को पता है, ये खुद डॉक्टर है, इनको पता है इसकी क्या वो होती है, क्या हालत होती है इसको लगा के। और ट्रामाडोल को, ये ट्रामाडोल की टैबलेट्स पीसीएम बोलते हैं, कोड वर्ड पीसीएम। मैंने पहले भी एक वीडियो पीछे खड़े होके बनाई थी, ये पहले भी आए थे दवाई लेने, मेरे को शक हुआ अब पता नहीं किस चीज़ की दवाई। अब इनका इलाज चल रहा है और उसके बावजूद भी इन्होंने आके मांगी, इन्होंने दे दी, फिर भी नहीं। जब आते हैं जब मांगते हैं दे देते हैं, जितने मांगते हैं दे देते हैं। किसी को इंजेक्शन दे सकते हो क्या कि जाओ ये लो इंजेक्शन और घर जाके अपने आप लगा लो? डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन, और ये जो इंजेक्शन है ना डॉक्टर भी अगर एमरजेंसी में लगाए तो ग्लूकोज के बीच में डाल के लगाते हैं। मेडिकोज वालों ने अपनी गलती भी मानी है लाइव के अंदर, क्या कहना चाहेंगे मैडम? इन्होंने तो मान लिया, बाकी मेडिकल स्टोर वालों को भी तो। तो ये देखिए बाहर किस प्रकार से बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बवाल बवाल और बवाल, क्या बात बदमाशी दिखा रहे जी। वो देखो लड़का है इसका, बदमाशी दिखा रहा है, कॉलर पकड़ रहा है, ये रहा जी धक्के दे रहा है यहाँ पे। कौन सा लड़का है ये रहा, ये देखो जी ये बंदा जी। आपके साथ क्या बात हुई है? मैं तो खड़ा था जी, कह रहा जी यहाँ पे कुछ ना करो, यहाँ से भाग जाओ। ये लड़का है जी उसका, ये देखो भाग रहा है, ये देखो जी, वो देखो ये देखो क्या, वो देखो जी वो भाग गया। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आरोप फिलहाल यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बवाल, एक बार फिर से बवाल। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के घरोंडा क्षेत्र की समेर मेडिकोज, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिना डॉक्टर की पर्ची के यहां पर दवाई दी जा रही थी और दवाई लेने के बाद जो एक व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था, साफ साफ कहें तो नशा हो रहा था उस दवाई को लेने के बाद। और 4 साल हो चुके थे, जी हाँ 4 साल हो चुके थे लगातार जो है इसी मेडिकल स्टोर से दवाई ली जा रही थी। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन पहुँच चुका है और जाँच करते हुए जो अधिकारी है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, जो अधिकारी हैं वो जाँच करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। स्थानीय थाना SHO यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं, दीपक कुमार SHO मौके पर पहुँच चुके हैं और
अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं, फिलहाल जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे दवाई पूरे जो मेडिकल स्टोर को जो है फिलहाल जांचा जा रहा है कि इसके अंदर जो है कौन कौन सी दवाई ऐसी है जो बिना डॉक्टर की पर्ची के दी जाती है। फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले के घरोंडा हलका की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुमेर मेडिकल, आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल बवाल यहाँ पर जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप साथ के साथ शेयर कीजिए। और ये देखिए एक बार हम आपको फिर दोबारा से दिखाना चाहेंगे कि इस प्रकार से जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और जांच करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। इस वीडियो को देखने वाले वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ये जो फोन स्क्रीन पर आप महिला देख रही हैं, इस महिला ने जो है मामला कहीं ना कहीं, ये जो पिछले काफ़ी दिनों से महिला परेशान थी, महिला बहुत ज़्यादा परेशान थी, और आज महिला ने किस प्रकार से खुद रेकी की कि आखिरकार जो मेरे पति हैं वो कहाँ जाते हैं, किस मेडिकल स्टोर में जाते हैं, क्योंकि